उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने छापेमारी कर सट्टा गिरोह के 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 23 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। बता दें कि संजीव सुमन डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ पुलिस ने सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मयंक सिंह, आकाश गोयल, दिनेश शमशाद अहमद हजरतगंज में सट्टे का कारोबार करते थे, जिसमें कोचिंग संचालक भी शामिल थे। टीम में जोड़ने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हजरतगंज में चल रहे सट्टे गिरोह पर छापेमारी कर 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनकी निशानदेही पर एसटीएफ पुलिस ने 23 लाख रुपए के साथ मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया है। पूर्वी जिले की क्राइम टीम और कुंती नगर विस्तार के सम्मिलित छापे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सटोरियों का एक पूरी टीम पकड़ी गई है, इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम मयंक सिंह, दुर्गा सिंह, आकाश गोयल और शमशाद अहमद हैं। इन चारों के पास से भारी मात्रा में लगभग 23 लाख रुपए नकद और मोबाइल, लैपटॉप्स, जो भी सट्टा कराने के उपकरण होते हैं, वो एक फॉर्चुनर गाड़ी, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। ऐसा ज्ञात हुआ था पुलिस को, एक मुखबिर सूचना थी, हम लोगों की टीम ने भी डेवलप किया उसे, कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से ये इनका गैंग सट्टा कर रहा है और करवा रहा है। इनके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं, ये एज़ फार एज़ कानपुर यहाँ तक भी जाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। यहाँ भी लखनऊ में, कानपुर में, सब जगह इनके नेटवर्क्स फैले हुए हैं। चूँकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो फिज़िकल मूवमेंट्स करने की आवश्यकता अब इनको नहीं होती है ज़्यादा। फिज़िकली सिर्फ कैश मूव होता है इनका, रेस्ट सारी चीज़ें अब इनकी आईडीज़ बन करके मोबाइल फ़ोन से, जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं मोबाइल फ़ोन से, आईडीज़, लैपटॉप्स, सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इन चारों को अब हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं।